फ्रेंड मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में डोसे। इस दिए मैंने हरी चटनी, ये बना दिया नारियल की चटनी। जैसे कि आपको पता है ये पतली वाली हिटलर हस्बैंड जी खाते हैं, ये गाड़ी वाली भावेश गोयल जी खाते हैं। ये तैयार है मेरा सांभर और ये बन रहा है छोटा सा डोसा मेरे गोपाल जी का। ये इसका घान है और ये है डोसे का बैटर। ये छोटा सा डोसा मेरे गोपाल जी का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। आओ तुम मुझे उठाने, आओ तुम, आओ, उठो, 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 दिस्ता उठो, दिस्ता उठो, उठो, सुन नहीं रही है? मत आया, बरोजो दिस्ता मासी, परेशान कर रखा है, नानियां उजाए हैं, परेशान, खुद तो नींद पूरी कर लेते हैं जब मर्जी, 2-3 घंटे। अच्छा, जब सोना होता है तब सो जाते हैं खुद तो। दिशा मासी का सामान नहीं छेड़ना, बोलो आपसे कुछ थोड़ा। जब देखो खुद नींद पूरी करिए। नानी को पारी गुगल, पारी नानी पारी भी बेल है, नानी भी बेल रही है, नानी को कर दिया। ये ऊपर वाले आए, डोसा जिमने आए हो ना गुगा, डोसा खाने आए हो ना गुगा, गुगा डोसा खाएगा, नानी ने डोसा बनाया। भांजी भांजी भांजी, नानी आप खाने में क्या बना रहे हो? नानी का दिमाग फिर चुका, अपने काम खुद बढ़ा दी रहती है नानी, दिमाग जो है सेट नहीं है नानी का। नानी आज डोसा बना रही है सबके लिए, वाओ। चलो मम्मा ढूंढे, गुगू की मम्मा, ए गुगू की मम्मा, गुगू की मम्मा कहाँ हो, कहाँ है मम्मा? गुगू वेट कर रहा है आपकी। मम्मा को बोलो चाय रेडी हो गई मम्मा। तो हम लोगों के डोसे हो चुके हैं रेडी, मेरा सांभर आ चुका है, वेटिंग फॉर डोसा। गुगू कैसा लगा आपको डोसा? ऐसे कर दो थम्स अप। अभी मासी ने आपको कैसे सिखाया है? राधे राधे करके दिखाओ जल्दी, पैन बता दो, पैन जल्दी बताओ, सब देख रहे हैं आपको, फैन बताओ जल्दी, फैन कहाँ है? ऐसे करेंगे बस, ऐसे नहीं पता करें, सब सिखा देंगे। ओए वाह, गुगू पास हो गया। चलो खाए अपना ब्रेकफास्ट। चलो गाइस एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट विद चाय। ये रे बाबू, अब एक में दिक्कत नहीं है इसलिए तेरे को डोसे नहीं मिलते, वो इडली में ही सारा बैटर खत्म हो जाता है। आज खाली डोस, एक हाथ लगेगा तेरा, आज खाली डोसे ही बने हैं। खा लो। अरे कोई नहीं, बल्कि दूध इसको बाद में पिला के यही खिला रही थी बहन, इसको बहुत भूख लग रही थी। देख कैसे मेरा कप देख रही है, कप पसंद है इसको, नजर लगा दे तू मेरे कप को। यहाँ टेबल उड़ा दे हम, पता क्या वहां पे मम्मी जी पहले खाती हैं इसको, फिर मैं पकड़ती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, मम्मी जी इसको पकड़ती हैं, ऐसे खाते हैं हम। दीक्षा हरी चटनी भी ले लेना और टेस्ट आ जाएगा। टेबल उड़ा दूंगा, बहन ये दो कुशन ना ऐसे लगा दे, दो नहीं तीनों लगा दे, एक के ऊपर एक, ये मेरा फोन गिरा चुकी है, दोबारा मत गिराइए, मेरी औकात से बाहर आई है, मैं दोबारा खरीद भी नहीं सकती ये फोन, समझ गई सिद्धिका?
सिद्धिका समझ गए आप या नहीं? दोबारा नहीं दिया क्या इसने? हाँ अरे उसमें कचोर कचोर मजा आया। वीडियो बना रही हूँ, उठा उसको, जल्दी उठा। मासी को पाई कर दे, मासी को पाई कर दे। एक और बार कर दे, एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार। हमें नून नहीं। गाइस बिल्कुल सही किया, टॉयलेट पेपर रोल लेके ये लिए तो वीडियो के लिए, तो गेम के लिए। इनकी सुसु ही खत्म ना हो रही है। कभी गुल्लू की नोजी पोछो, कभी गुगू का सुसु साफ करो। सारा सुसु कर रखा है गुगू तूने यहाँ पे। थम जा जरा भाई, मासी रोज रोज नहीं करेगी। फेंक के मारा कमरा। मैंने बाल बनाए थे, क्या हाल कर लिया फिर से बालों का बेटा? ये क्या कर रहे हो आप सिद्धिका? रोल दीक्षा, ये नीचे को डाल दिया, बाहर डाल क्या? अभी डाल के आ रही हूँ। ओ ये ले तो वहां से पकड़। दीक्षा ये फोड़ देगी इसको। इतने इतने रोल ये दो दो बूंद में खराब कर दिए। मम्मी केमिकल ज्यादा है, एसिड ज्यादा है सुसु में। बच्चा हमारा आप सब कुछ खाता पीता है ना, इसलिए एसिड ज्यादा है। एसिडिक सुसु बहुत ज्यादा है। और कर दिया इसने रोल कर दिया। अच्छा तेरी माँ ही लपेटेगी रोल को, तभी तो मैंने इसको दिया है ताकि इसकी माँ, इसकी माँ के लिए एक और काम बढ़ जाए। लपेट दिया ना। नकुल मैंने मम्मी को इतना कहा तेरे लिए डोसा बचा ले, इतना बोला नहीं, कह रही प्रिया मेहमान आई है, प्रिया को मिलना चाहिए बस। कोई नहीं, कोई नहीं। नकुल को घर का है। हाँ गुगू ने खा लिया, पहले ही जीम लिया। गुगू का ही चाय बना ले, मेरे को चाय। हाँ मम्मी मेरे लिए भी बना लो, मेरे लिए भी दूंगा केक का आपको, मेरे लिए भी चाय बना लो यार, बढ़िया सी। मेरे लिए हेलो, ये टिन लेके जा रहे, हमारा जायफल लेके जा रहे, तब भी एटीट्यूड देख रहे हो? इतना सा देंगे, इतना सा दे देंगे। हाँ मम्मी को फुल ऑफ ड्राई फ्रूट देना, अखरोट काजू बादाम किशमिश। मैं किचन में लगी पड़ी हूँ। सॉरी वी आर नॉट मेकिंग, वी आर मेकिंग ओनली बेरीज। फिर मम्मी इज रिजेक्टिंग बेरीज। मम्मी यू लव बेरीज। मम्मी कहेगी क्यों है अखरोट डाली इतने सारे, मेरा फेवरेट अखरोट और किशमिश। मम्मी के एक कोने में डाल दियो सारी चीजें, चाहे काजू बादाम डालियो, अखरोट और किशमिश। कि मम्मी का हिस्सा है वो। गुगू के में जी लिख दियो, मम्मी के साइज का आर लिखियो, कभी छोटा सा लिखे। चाची अब तो पतले हो रहे हो ना, अब तो छोटा ही लिखे। भाई नहीं, ए इतना बड़ा आर लिखियो आगे में। तो मैं नहीं डाल रहा। डालो अखरोट चाची के हिस्से में डाल दो ना, इधर कोने कोने में। काजू बादाम नहीं चाहिए, किशमिश वो डालिए मैंने, ब्लैक करंट वगैरह। चलो ओके गाइस, केक बना रहे हैं, टेस्ट करेंगे कैसा बनेगा। ड्राइड स्ट्रॉबेरी। और गुल्लू को ले आई हो? ये सिद्धिका की कॉम, दो घंटे से इस लड़की की कॉम चल रही है सिद्धिका की। पता नहीं इन्हें फैशन करके बेरा कितने जावेगी सिद्धिका। अभी मैंने आपको सिद्धिका के कॉम के ड्रामे बताया ना, गेस करो, दो सेकंड भी नहीं हुए पॉटी कर दी। अभी आपके सामने पेपर रोल से सुसु साफ किया है ना। What shape should I make? नकुल इसमें अखरोट वाला मम्मी के लिए बना दे अखरोट किशमिश, इसमें तू अपना बहरीज बना ले, दोनों का काम हो गया, तेरी चाची भी राजी। पूरा मेरे को पकड़ा दिया। तो सोक्ड है किशमिश ऑलरेडी। मम्मी देख रहे हो बहाने टली हुई है, वो बेरी सोक्ड है। गाइस अभी लोगों को चाय चाहिए, तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक दो और तीन को नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती मैं। अच्छे घर में शादी हुई बहन, कोई बात नहीं, वो दो साल बाद दुआ दियो बहन, अभी से दूंगी तब। देखो तो ये खाली बैठे बैठे। गाइस टाइम हो रहा है तीन, अब मैं तुम लोगों की चाय बना रही हूँ, आज की आखिरी चाय और आखिरी काम कर रही हूँ तुम तीनों का। एक दो तीन, वो मम्मी पिलाएगी अभी भी, अब एक बार पिलाऊंगी मैं दिन में, अभी या शाम को। किसने पिलाई थी मुझे क्या पता, जो तू डकासी थी यहाँ बैठ करके, वो किसने डकवासी थी तेरे को मुझे क्या पता। अब कैसे पता चलेगा,
बिना मस्के खाटर में चाय मिली थी। मैं एक चाय बनाती हूँ दिन की, एक बना रही हूँ, उसके बाद बता दो क्या अभी की बनानी है या शाम की बनानी है, डिसाइड कर लो आपस में। अभी की बना ले, पर उसको रजा रजा के उसको काली मत कर दे। ठीक है तेरे को गोरी दे दूंगी। नहीं इतनी गोरी नहीं चाहिए। डायलॉग मार रहे इसको चाय चाय क्या है, इसको ये नहीं पता कि दीक्षा फिर बनाती है। इसको ये नहीं पता, इसको ये नहीं पता ताई की बनानी छोड़ दी है दीक्षा ने, ताई की बनानी छोड़ दी, ताई ने एक दो बार डायलॉग मार दिया। हाँ तुम तो बड़ी कड़वा जहर पियोगी ट्रंप में। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस ये होती है हरड़, अगर आपके बच्चे को छोटे बच्चे को कब्जी हो रही हो तो किस चीज में कस के, प्रिया बहन पूरा आपको बताएगी। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है आप लोगों के लिए कि ये किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, है ना। तो ये आएगा सिर्फ 5 रुपए की आई है, ये तो सारे पैसे वापस कर दिए उन्होंने शायद, नहीं 5 रुपए की आई है ये। तो अभी प्रिया मैम आपको बताएंगी, व्लॉगिंग करेंगी, ये लो व्लॉगिंग करो। मम्मी ये हरड़ आपकी चिल्लड़ चोरी की थी मैंने, हरड़ के लिए नहीं की थी वैसे तो, श्याम बाबा के लिए की थी, पर ये तब की मेरे बैग में रखी हुई थी चिल्लड़। मना कर मैं चिल्लड़ हाथ लगाने की, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? आप मेरे व्लॉग में नहीं देखा, मैंने व्लॉग में दिखाया था कि मैं चिल्लड़ चोरी कर रही हूँ मम्मी की, आप थे नहीं जब, मेरे को बिल्कुल पैसे नहीं थे मम्मी बाबा के चढ़ाने के, फिर चोरी करनी पड़ी। तो बाबा कहते हैं कि चोरी करके चढ़ाओ, माँ का चोरी चोरी नहीं होता। नहीं, और बाबा ने कौन से चटकोले खाने थे उस रूप हो गए जो तूने चढ़ा के आई थी। मेरी चिल्लड़ हाथ में लगा दियो आगे से, क्या पता बाबा आपकी चिल्लड़ तिगनी कर दे, चोगनी कर दे। करनी होती अभी तक कर देते मम्मी, जब राइट टाइम आना होता है ना वो तभी आता है, और ना राइट टाइम पे आए तो ज्यादा बढ़िया है, वरना इंसान को बहुत कुछ सीखने को भी तो मिलता है। चिल्लड़ चढ़ाने की क्या जरूरत है, जब राइट टाइम आएगा तो अपने आप तीखी होनी वैसे ही भगवान कर देंगे। नहीं 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 ऐसे नहीं होता, व्लॉगिंग हमारी इस पे नहीं हो रहा यार। क्या करना था, कसना है इसको, ला मैं कस दूं। घिसना है, कसना नहीं है घिसना है। घिसना है, अब कहां से घिसवाऊं मैं तेरे से, चकले पे घिस ले, चकले पे नहीं घिसेगा। मैंने इसको कस लिया है इसमें, क्योंकि हमारे पास सिलबट्टा नहीं है, तो अब इसमें दूध या पानी कुछ भी मिला सकते हैं, हैं? दूध या पानी कुछ भी मिलाना है, और उसके बाद क्या करना है, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तब बच्चे को दे दो आधा चम्मच पिला दो। अच्छा ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, ओके तो इसको चम्मच पे कर लेती ना फिर, ऐसे होगा नहीं ना, अच्छे से हैंड वॉश कर तो लिए। अच्छा बात हैंड वॉश की नहीं है वैसे बता रही हूँ, अच्छा समझ गई, चम्मच पे वो अच्छे से स्पेस नहीं मिलेगी। तो गाइज अभी ऐसे ऐसे करते रहो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखो ये बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे और लिक्विड फॉर्म में आता रहेगा, और बस अब इसको चाहे आप इसमें पानी मिला लो चाहे दूध, है ना। हाँ हाफ स्पून अपने बच्चों को दे दो, ठीक है, जिससे क्या है पेट साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत हो रही है वो खत्म हो जाएगी। पर लेकिन इसको हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो देना ही है, और बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन ना भी हो तो भी दे सकते हो, ताकि बच्चे का पेट सही रहेगा।